हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज द 8th नंबर चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, ये सेकंड का जो पार्ट है फिजिक्स का, उसके अंदर का 8th नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक है तो वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर अपना हो चुका है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके अंदर गॉस लॉ, जो गॉस थ्योरम है वो देखा है हमने, उसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ लिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पॉइंट्स अपने हो चुके हैं, बट उसको बहुत टाइम हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक रिवीजन लेंगे। तो रिवीजन के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी क्या करने वाले हैं। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, एट रेस्ट। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पोजीशन के अंदर होंगे, जब वो रुके हुए होंगे, एक जगह पर होंगे, स्टेशनरी होंगे, तब उनका स्टडी जिसके अंदर आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। It is the branch of physics which deals with the study of electric charges at rest position, is known as electrostatics. Okay? तो इसके अंदर सबसे पहले चार्ज क्या होता है? It is the property of matter due to which it attract or repel the other charges or other materials. Okay? तो इसके अंदर basically ये charges क्या काम करते हैं, एक तरह की electric field तैयार करते हैं। क्या करते हैं, electric field। अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारी डेफिनेशंस देखने वाले हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर देख चुके हैं, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर उसका रिवीजन ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती, क्या होती है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो दो तरह के चार्जेस होते हैं वो एक तरह की फील्ड तैयार करते हैं। अब ये जो फील्ड होती है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक मैग्नेट है, कंसीडर कर लो ये चौक में एक मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट की क्या करेंगे हम लोग, अगर इसके अंदर दूसरा मैग्नेट लाएंगे, इसके नज़दीक लाएंगे, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट वो कब होगा, जब वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आएगा। मीन्स अब यहाँ पर एक मैग्नेट है और दूसरा यहाँ पर है, तो इस केस के अंदर ये पॉसिबल है क्या एक दूसरे का अट्रैक्शन, नहीं। बट हम उसकी रेंज के अंदर अगर हम लाएंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये क्या करता है, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर उसके अंदर एक दूसरा चार्ज आ गया तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो चार्ज है इसकी फील्ड इतनी है, ऐसी इतनी क्या हो गई, इसकी फील्ड हो गई। तो ठीक है, इसके अंदर जब चार्ज आएगा तो क्या करेगा उसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, तो ये निगेटिव चार्ज जब तक इसके अंदर नहीं आता तब तक वो इसे अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। जब वो इसके अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया तो दोनों में क्या होगा, एक तरह का अट्रैक्शन होगा। और अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये जो फील्ड होती है, द रीजन इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा रीजन के जिस रीजन के अंदर अगर दूसरा चार्ज आ गया तो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा। ठीक है, तो वो जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब ये जो चार्ज होता है, चार्ज की जो बेसिक मिनिमम वैल्यू होती है, अगर हम चार्ज को स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने के बाद हमें क्या मिलता है, जो बेसिक चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब। ये उसकी बेसिक वैल्यू होती है। सबसे छोटा अगर हम चार्ज लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 1.6 × 10^-19 कूलम्ब मिलेगी। ओके, और बाकी के जितने भी चार्जेस होंगे वो क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जांपल हमने चार्ज लेना है, चार्ज के लिए हम क्यू से डिनोट करते हैं,
q is equal to क्या होगी, n into e होगा, n is the number of electrons और number of protons और e क्या होगा उसका charge होगा, basic charge, okay? ये उसका formula होगा, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये हुए electric field, electric charges। इसके बाद हमने एक और point देखा था, वो था electric lines of force। क्या देखा था? electric lines of force, electric lines of force। अब ये electric lines of force क्या होता है? electric lines of force, अगर हमें चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है, चार्ज क्या करता है, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी अगर हमें एक पिक्टोरिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है, तो उसके लिए जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं वो होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसा हम लोगों ने फ्लूइड के चैप्टर में देखा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, जो पार्टिकल होता है, फ्लूइड का जो पार्टिकल होगा उसका पाथ दिखाने के लिए जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं वो होती है स्ट्रीम लाइंस और फ्लो लाइंस। उसी तरह एक चार्ज होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक तरह की फील्ड क्रिएट करता है, एक तरह क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है। तो उस फील्ड को दिखाने के लिए जो हम लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं वो होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस तरह से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। और इसके रीजन के अंदर जब एक चार्ज आएगा तो क्या करेंगे, उसे अट्रैक्ट करेंगे। और निगेटिव चार्ज क्या, निगेटिव चार्ज क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाई दो, कैसे होगी, इसकी तरफ आती हुई दिखेंगे हमें, इस तरह से टूवर्ड्स दी सेंटर, टूवर्ड्स दी सेंटर। पॉजिटिव चार्ज के अंदर अवे फ्रॉम दी सेंटर होता है, और निगेटिव चार्ज के अंदर वो क्या होता है, टूवर्ड्स दी सेंटर। तो अगर ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कैसे एक्ट करेंगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक निगेटिव है, दोनों जब एक एक दूसरे के रीजन के अंदर आएंगे, तो रीजन के अंदर आने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से वो इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होगी और वो निगेटिव लाइन, निगेटिव चार्ज पर एंड होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम और ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट निगेटिव चार्ज, इस तरह से हम स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो इसकी एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, देन इसके बाद में और एक, इसके अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखा दी, तो इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ये पॉइंट के ऊपर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये होती है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। उसके बाद में एक कंसेप्ट देखिए हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसे डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम सिंबल यूज करते हैं फाई, ये जो सिंबल है वो हम यूज करते हैं फाई, और समटाइम्स इतने भी रिटर्न एज डी फाई। अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाना है तो सिर्फ फाई लेते हैं, और अगर स्मॉल अमाउंट में दिखाना है तो हम वहां पर डी फाई लेते हैं। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बार डॉट डी एस बार, ई बार डॉट डी एस बार। तो अब इसके अंदर ये जो ई बार है, ई बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो जो होगा वो यहां पर लेंगे हम इंटू डी एस बार, इंटू क्या है, डी एस बार, डी एस बार इज द एरिया। तो अब बेसिकली ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाई, ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो बेसिकली इतने रीजन के अंदर, इतने एरिया के अंदर जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, उसे अगर हमें एक क्वांटिटी से डिनोट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस एरिया is known as, can be written as d phi, d phi means electric flux equals to क्या आएगा यहाँ पर, electric field intensity, यहाँ से जो electric field pass हो रही है उसकी electric field intensity into ds bar, ds bar is the area vector, ये जो होता है वो क्या होता है, area vector, area vector। अब ये
हमने इससे पहले पढ़ा है स्केलर और वेक्टर्स के अंदर कि ये जो एरिया एरिया जो क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी, ये तो यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, बट हम यहाँ पर एरिया वेक्टर क्यों लिखते हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, बट हम यहाँ पर एरिया वेक्टर क्यों लिख रहे हैं? तो बेसिकली अगर ये जो रीजन है, फॉर एग्जांपल ये रीजन मैंने क्या किया, ऐसा कंसिडर किया यहाँ पर, तो इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये जो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है वो, और ये जो एरिया है, ये एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वो, तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर के लिए क्या नेसेसरी है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका रीजन का एरिया वो होगा उसका मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एरिया वेक्टर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट होगा तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फाई और डी फाई इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, ई इंटू डी एस, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, ई डी एस कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। फॉर एग्जांपल एरिया वेक्टर, ये जो रीजन है, रीजन हमने इस तरह से कंसिडर किया कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डी एस बार की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा एंगल, ठीक है। एरिया अगर मैं ऐसा ना कंसिडर करते, ऐसा कंसिडर किया तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो, और ये जो एरिया वेक्टर है वो, दोनों में क्या होगा, एक तरह का एंगल होगा, तो वो होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये था इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर के मेन टॉपिक के ऊपर, जो आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था। 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या देखा था, बॉस थ्योरम और बॉस लॉ देखा था, बॉस थ्योरम और बॉस लॉ। ये जो बॉस थ्योरम है, इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया था, एक इक्वेशन ली थी। इक्वेशन क्या थी वो, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बार डॉट डी एस बार इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो इस इक्वेशन के ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो ये phi क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये हमने क्या लिया है, E बार डॉट डी एस बार, बट हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिया है इसके ऊपर से क्या लिया था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E बार डॉट डी एस बार, ओके। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों लिया है, अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हमें एक बहुत बड़ी सिस्टम है उसका हमें फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे स्मॉल पीसेस के अंदर कट करेंगे, स्मॉल रीजन्स के अंदर कट करेंगे, और फिर उस सब जो पार्ट्स होंगे, जितने भी पीसेस होंगे, जितने भी रीजन्स होंगे, उसे एक जगह पर जमा करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन है टोटल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, बट यहाँ पर एक गोल ऐसा एक सिम्बॉल लिखता है, तो ये किसके लिए होता है, ये क्लोज सर्फेस के लिए होता है। अगर हम सिस्टम, अगर एक क्लोज सर्फेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक स्फीयर लिया, तो स्फीयर कैसा आ गया, एक क्लोज सर्फेस आ गया, तो उस केस के अंदर जो हमें इंटीग्रेशन लेना है वो क्लोज इंटीग्रेशन लेना है, ओके। तो इसके ऊपर से हम स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स और इक्वल टू द यहां पर ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बार क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ क्लोज्ड ड्यू टू अ क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन लिया था हमने, क्या लिखा है यहाँ पर, ड्यू टू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू द, ये किसके इक्वल है, क्यू। क्यू इज वॉट, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ये चार्ज कहाँ पर है, वो जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितने भी चार्जेस है वो यहाँ पर, द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन जीरो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ये उसका स्टेटमेंट होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ओके, ये उसका बेसिक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये हमने इसका डेरिवेशन भी लिया है, 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने इसका डेरिवेशन भी लिया है। ठीक है, तो आप वहां से बुक के अंदर से देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो इसके आज जो हमारा बेसिक सिलेबस है, सिलेबस के अंदर इसके एप्लीकेशन दिए हुए, वो जितने भी एप्लीकेशन है तो बोर्ड के एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। अब यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं वो एक हॉलो शेल होगा, हॉलो स्फीयर होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक फुटबॉल लिया, तो फुटबॉल के ऊपर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक तो इस तरह से क्या किया, एक फुटबॉल है ऐसा मैंने कंसिडर किया, इस तरह से क्या है, एक फुटबॉल है। ठीक है, और इस ये फुटबॉल कैसा है, स्फेरिकल शेप में, थोड़ा शेप बिगड़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से एक फुटबॉल लिया हमने, फुटबॉल के ऊपर क्या किया, ये जो फुटबॉल है वो चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मींस क्या है, इसके ऊपर इस तरह से चार्जेस है, इस तरह से क्या है, चार्जेस है, और वो कैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मीन्स वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लिमिटेड दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल जो उसका सरफेस एरिया है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल एक सेंटीमीटर के ऊपर एक चार्ज है तो दूसरा कहाँ पर होगा, दूसरे सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, चार सेंटीमीटर, ऐसे डिस्टेंस के ऊपर वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड किए हुए हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया, ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस हमने कंसीडर की वो है कैपिटल आर। ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस हमने कंसीडर की कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। वो कैसे होगी, फॉर एग्जांपल इस तरह से वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, इस तरह से बाहर जाते हुए। ओके, यहाँ पर भी क्या होगी, चारों तरफ से जो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो बाहर की तरफ होगी, इस तरह से। ठीक है, मैं सब वो ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा हर जगह, हर तरफ से। ठीक है, और ये रेडियली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इस तरह से क्या है, वो जो स्फीयर होगा उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, ये जो स्फीयर है, स्फीयर के आउटसाइड में यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या कंसिडर किया मैंने, एक पॉइंट पी लिया। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, उसके बाद बाहर क्या है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके ऊपर जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, उसके बाहर एक आर डिस्टेंस के ऊपर, क्या स्मॉल आर, सेंटर, ये जो सेंटर होगा ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो मुझे ये P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करूँगा। अब ये गॉसियन स्फीयर क्या होगा वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह से मैं क्या करूँगा, P पॉइंट के ऊपर से पास होने वाला एक स्फीयर ड्रॉ करूँगा। इस तरह से क्या किया मैंने, एक स्फीयर ड्रॉ किया। ठीक है, स्फीयर इस तरह से यहाँ पर होगा, ठीक है, ये होगा एक तरह का स्फीयर। उसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो कैपिटल आर लिया है ये क्या है, रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ चार्ज्ड स्फीयर, रेडियस ऑफ चार्ज्ड स्फीयर, वो जो चार्ज्ड स्फीयर है स्मॉल स्फीयर कंसिडर किया है, उसकी रेडियस है कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर। अब ये गॉसियन स्फीयर क्या होता है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर होगा। इमेजिनरी मीन्स इसके आउटवर्ड, ये क्या है, ये जो स्फीयर है उसके कॉन्सेंट्रिंग में, मतलब यहाँ से उसका सेंटर जो गॉसियन स्फीयर होगा उसका सेंटर क्या होगा, ये जो पहले वाला स्फीयर है उसी का सेंटर, इसका भी सेंटर होगा, ओके। और उसकी रेडियस कितनी ली हमने, स्मॉल आर। तो ये गॉसियन स्फीयर एक तरह का इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, वो हम कंसीडर करते हैं बस इसके एप्लीकेशन के लिए, इसके अंदर जो हमें एप्लीकेशन लेना है उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करेंगे, ओके। उसके बाद में ये जो स्मॉल स्फीयर है इसके ऊपर चार्जेस कितने हैं, चार्जेस ऑन चार्ज स्फीयर, जो चार्ज स्फीयर होगा उसके ऊपर चार्जेस कितने होंगे, उसके लिए हम यहाँ पर तीन तरह के जो डेंसिटीज़ देखी है हमने, तीन तरह की डेंसिटीज़ कौन सी होती है, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमने 11 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या किया, इस तरह से एक सरफेस है, ग्लास सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, चार्जेस ऐसे रखे हुए, ऐसा मैंने क्या कंसिडर किया, इसके ऊपर चार्जेस रखे हुए। तो ये जो चार्जेस होंगे, ये चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लेते हैं। तो अब इसके अंदर तीन तरह के होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स एक फॉर एग्जांपल एक लाइन है, लाइन के ऊपर किस तरह से चार्ज रखे हुए हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एल, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स एक सरफेस है, सरफेस फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो पेन के सरफेस के ऊपर, यहाँ पर अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँगा यहाँ पर, ठीक है, पेन का ऊपर का सरफेस, तो इस सरफेस के ऊपर जो चार्जेस है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। मीन्स ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, थ्री डायमेंशनल केस है, इसके अंदर चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके लिए होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो सरफेस लिया है हमने, उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर करेंगे, ओके। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज इज क्यू एरिया, इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr², यहाँ पर r कौन सा लेना होगा, स्मॉल r, कैपिटल r, यहाँ पर हमें कैपिटल r लेना होगा, कैपिटल r क्यों, क्योंकि ये स्मॉल स्फीयर जो है उसी का हमने क्या करना है, चार्ज डेंसिटी लेनी, इसके ऊपर से चार्ज कितना होगा, Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है, ये हमें बाद में लगने वाला है, इसके अभी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके अंदर का जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमें लेना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, किसके अकॉर्डिंग लेना है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये जो गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा वो लेना है, फाइ इज इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये उसका इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन क्या है इसके अंदर गॉस लॉ की, फाइ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फाइ इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, फाइ इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो अब इसके अंदर हमें इसका जो दूसरा टर्म है ई बार डॉट डी एस बार वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर ये जो स्फीयर है गॉसियन स्फीयर, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल रीजन कंसिडर करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया, इतना सा स्मॉल एरिया कंसिडर किया, ये जो स्मॉल एरिया है वो एरिया मैं लूँगा यहाँ पर डी एस, एरिया कितना लिया मैंने, स्मॉल सरफेस एरिया डी एस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल के ऊपर ब्लैक एंड वाइट पैचेस होते हैं, तो उसके ऊपर का एक ब्लैक पैच लिया, वो जो ब्लैक पैच होगा वो होगा उसका एरिया डी एस, स्मॉल एरिया, ठीक है। तो वो जो सरफेस एरिया होगा तो उसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इन एरिया ds, इन एरिया ds, वो जो एरिया होगा ds उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, e बार डॉट ds बार, ये उसका फॉर्मूला है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, e बार डॉट ds बार होता है। ओके, तो इसके अंदर अगर ये स्केलर क्वांटिटी, इसे अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो स्प्लिट करने के बाद क्या मिलेगा, ई डी एस कॉस थीटा मिलेगा। ओके, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डी एस। ठीक है, तो इसके अंदर अब यहाँ पर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा हमें, थीटा विल बी इक्वल्स टू जीरो, एंगल कितना मिलेगा, जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, वन। तो एरिया डी एस के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई इंटू डी एस। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर मैं टोटल स्पीयर का कंसिडर करूँगा, जो फुटबॉल लिया है हमने उसका सिर्फ ब्लैक पैच नहीं, अगर मैं उसके टोटल सरफेस के ऊपर कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अगर फाइंड आउट करना होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, उसका सिर्फ एक ब्लैक पैच कंसिडर किया था, पूरा अगर कंसिडर करना होगा तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, उस ब्लैक पैच का, वाइट पैच का, ब्लैक पैच वाइट पैच, इस तरह से अगर मैं सबके जमा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस और गॉसियन स्पीयर, गॉसियन स्पीयर, वो जो गॉसियन स्पीयर होगा उसके ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाइव विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ओके, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज सिस्टम है स्पीयर, मीन्स यहाँ पर हम क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, ये होगा उसका फॉर्मूला। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दिया था इक्वेशन नंबर वन, यहाँ हमें इसे देंगे इक्वेशन नंबर टू, दोनों भी क्या करते हैं, सेम साइड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इक्वेशन नंबर टू हम यहाँ पर नहीं देंगे, नेक्स्ट के लिए इसके अंदर देंगे। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये स्पीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसे मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है वो कितना मिलेगा, डी एस क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, फॉर एग्जाम्पल एक स्पीयर है तो स्पीयर के ऊपर का सिर्फ एक ब्लैक पैच। तो अगर मैं पूरा, अगर फुटबॉल है, फुटबॉल का सरफेस एरिया लेना होगा तो मुझे कितना मिलेगा, वो दैट सरफेस एरिया विल बी द एरिया ऑफ स्पीयर, स्पीयर का एरिया कितना होता है, 4πr². तो यहाँ पर कितना मिलेगा, e इंटू 4πr², रेडियस कितनी लेंगे, लेनी होंगी यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल, यहाँ पर हमें स्मॉल r लेना होगा गॉसियन स्पीयर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, फाइ इज इक्वल्स टू ई इंटू 4πr², ये इक्वेशन नंबर टू। दोनों भी इक्वेशन सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस पर से हम क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और वन और टू के ऊपर से क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, और यहाँ पर क्या है, ई इंटू 4πr². ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, E विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, एज इट इज़ लेंगे, यहाँ पर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो एज इट इज़, यहाँ पर वन अपॉन ये 4πr² मल्टीप्लाई इधर आ जाने के बाद डिवाइड 1/4πr². ठीक है, तो इसके ऊपर से जो फाइनल इक्वेशन होगा वो क्या मिलेगा, E विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r², ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर होगा तो वो क्या होंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी मिलेंगी। ये हमने कहाँ देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डेरिवेशन लिया था हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर, वहाँ पर भी हमने सेम जो इक्वेशन है वो डिराइव की थी। तो इस केस के अंदर दोनों भी इक्वेशन क्या मिल रहे हैं, हमें इक्वल मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे दूसरी क्वांटिटी के फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पर हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की थी, कितनी थी वो, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr², वो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो कितना मिलेगा, E विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 एज इट इज़, Q की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, सिग्मा इंटू 4πr², कैपिटल r² डिवाइडेड बाई या स्मॉल r², कैंसिल क्या होगा, 4π गेट्स कैंसिल,
तो यहाँ पर E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर स्क्वायर। ये उसका एक और फॉर्म हो गया, ठीक है, मेन फॉर्म ये है, उसके बाद हम इसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन के ऊपर से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर अगर मैं ये स्फीयर है तो स्फीयर के एग्जैक्टली ऊपर एक पॉइंट पी लिया, ये पॉइंट पी यहाँ पर ना लेते से मैंने क्या किया, इस स्फीयर के ऊपर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो कितने होंगे, तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर ये जो क्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल आर, दोनों भी रेडियस इक्वल होंगे, दोनों रेडियस इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या मिलेगा हमें, ई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ओके। ये हो गया उसका एक फॉर्म, और एक फॉर्म क्या है इसका, एक केस आ रही है इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर लूँगा, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पी यहाँ पर लिया मैंने, तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएंगी, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हॉलो है, हॉलो के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो यहाँ पर जो क्यू होगा, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ज़ीरो, और क्यू अगर ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी मिलेंगी हमें, ज़ीरो मिलेंगे। तो इस तरह से हमने ये दो केसेस देख ली, एक स्फीयर के ऊपर होगा तो वहाँ पर आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल होगा, उस केस के अंदर क्या मिलेगा हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो मिलेगा। अगर वहाँ पर इनसाइड लिया हमने, इनसाइड द स्पीयर लिया, तो Q विल बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर E विल आल्सो जीरो, ओके। तो ये हो गया उसका फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी के जो दो रह गए वो एप्लीकेशंस लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।